8 दिसंबर 2021 हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो जाते हैं। इस तारीख से ठीक 9 महीने 6 दिन बाद 28 सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हमारे सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना जाता है। पद पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, देश के नए सीडीएस। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीएस अनिल चौहान की कहानी जानेंगे। तारीख 18 मई 1961। सीडीएस अनिल चौहान एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं। एनडीए आईएमए से पढ़ते हैं, लिखते हैं और सन 1981 में गोरखा राइफल्स ज्वाइन करते हैं। अपने 40 साल के मिलिट्री करियर में इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और जहां गए वहां इन्होंने दुश्मन को उनकी औकात दिखा दिया। इन्होंने नॉर्थर्न कमांड की इन्फेंट्री डिवीजन को बारामूला में एज अ मेजर जनरल कमांड किया है। फिर इन्हें 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक में प्रमोट किया गया। इसी के साथ साथ इन्हें डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भी बना दिया गया। अपने इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री मिशंस को अंजाम दिया, जिसमें इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पे की गई एयर स्ट्राइक भी शामिल थी, जहां हमारी मिलिट्री ने हवा से वार करते हुए आतंकवादियों की हवा निकाल दी थी। इसी के कुछ समय बाद सितंबर 2019 में इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड अपॉइंट किया गया। अपने 40 साल के शानदार सैन्य करियर में सीडीएस अनिल चौहान ने अपना सब कुछ देश की सेवा में लगा दिया और देश के प्रति इनका संपूर्ण समर्पण देखते हुए इन्हें बहुत से सम्मानों से सम्मानित भी किया गया, जिसमें शामिल है परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, सेना मेडल, वशिष्ठ सेवा मेडल और भी बहुत से सम्मान है इनकी गरिमा बढ़ाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत जी ने हमारे सभी आर्म्ड फोर्सेस को साथ लेते हुए अपना कर्तव्य निभाया था, उसी तरह सीडीएस अनिल चौहान भी उतनी ही सहजता और उतनी ही जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसा लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर करें। बाकी कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, तो उसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल पर देश से रिलेटेड और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।